आज हमारा वैंकूवर के अंदर तीसरा और आखिरी दिन, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं विस्लर की तरफ, जो कि वैंकूवर से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा दूर है और बहुत ही सीनिक ड्राइव है, तो वहाँ पे जाएंगे। और ये जो पीछे आप हमारी आरवी देख सकते हो, ये हमने कल वॉलमार्ट की पार्किंग में लगा ली थी और मैं नहा धोके तैयार हो गया, वो मेरा सिस्टम एकदम सेट हो गया है, तो फटाफट से हम विस्लर की तरफ निकलते हैं और आप लोगों को सारा का सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार विस्लर के रास्ते पे हम रुके हैं टिम होटल, थोड़ी भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट वगैरह करना था। वैसे हमारा मन था कि यार वैंकूवर की कोई स्पेशल चीज़ खाए जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, ऊपर से ये जो इतना बड़ा जहाज है ये डाउनटाउन में लेके जाना बहुत ही औखा काम है। लेके जा सकते हैं लेकिन मुश्किल बड़ा है यार, इधर उधर मोड़ना बड़ा औखा होता है, तो इसलिए टिम होटल पे कुछ खाते हैं फिर आगे निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। क्या खाना भाई टिम होटल से? तो भाई सारा सौदा वगैरह ले लिया, कॉफ़ी ले ली है, बेगल BELT ले ली और साथ में हैश ब्राउन ले लिया है। अब निकलते हैं सीधा विस्लर की तरफ, अपनी गड्डी और सीधा विस्लर लाने हैं। भाई साहब डर तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देखो 80 की रोड है तो मैं 80 के आसपास ही चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। जैसे गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी पे तो हम 90 भी चले जाते हैं, 95 भी चले जाते हैं, इस पे भाई साहब डर लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। और मेन डर मेरे को लग रहा है जब मुड़ता है तो ना ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है, मेरे को लगता है भाई पलट ही ना जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चला रहे हैं, ऐसा है भाई। तो भाई हमें थोड़े से खतरों के खिलाड़ी, तो हम इसको लगाएंगे बैक करके पार्किंग में। बहुत है हाँ। लगा लिया तेरे भाई ने पार्किंग में। भाई मैं तो कहता हूँ AZ DZ का मैं लाइसेंस का एग्जाम दे देता हूँ, ट्रक चला लेते हैं, मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं? तो भाई ये टिकट का पता करने आए थे, इसको कहते हैं C2 Sky Gondola और इसकी जो टिकट है एक एडल्ट की वो है $70। और अभी यहाँ पे हमें एक फैमिली मिली थी जो हमारा पीछा कर रहे हैं वैंकूवर से, तो वहाँ भी हमें मिले थे, तो वो कहते हैं कि भाई इस पे जाना कुछ वर्थ नहीं है, $70 मतलब दो जाने जाओगे $140, सामने का व्यू इतना भी शानदार नहीं है। वो कहते हैं कि आप विस्लर जा रहे हो तो विस्लर में जाके एक गंडोला है वो काफ़ी ऊँचा है, उससे व्यूज़ भी काफ़ी सुंदर आते हैं और वो बर्फ वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं। कहते हैं वहाँ पे पैसे खर्चना वो ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, आइसक्रीम उसक्रीम खा सकते हैं, वो सब करते हैं यहाँ पे। भाई साहब एक तो लड़कियों का बड़ा औखा काम है यार, कहीं भी शॉपिंग का हिसाब किताब देखा नहीं चली जाती है। तो भाई गंडोला पे तो गए नहीं, तो एक बार फॉल्स जाके देखते हैं कि भाई कितनी सुंदर है और वहाँ पे क्या सिस्टम है। हाँ जी, तो भाइयों अब हम आ गए हैं शैनन फॉल्स, तो चलते हैं शैनन फॉल्स। यस भाई लॉक तो कर दो, चाबी तो ली नहीं। तो भाई शैनन फॉल वगैरह हमने सारी देख लिया, यहाँ पे एंजॉय कर लिया, फोटोज भी क्लिक कर ली, रील्स वगैरह भी बना ली, काफी कुछ कर लिया और टाइम स्पेंड भी कर लिया। और ऊपर जाने को मैं कह रहा हूँ लेकिन जैस्मिन जी मना कर रही हैं, कह रही है मैं हाइकिंग नहीं करूँगी क्योंकि आगे हमने बहुत जगहों पे जाना है, तो आगे निकलते हैं और आप लोगों से दूसरी जगह पे मिलते हैं। हाँ जी, तो भाई पहुँच गए हम अपने विस्लर आरवी पार्क, पहाड़ी थी प्रॉपर चढ़ाई, बहुत ही औखा काम है, पहली बार इतना बड़ा जहाज लेके ऐसे पहाड़ पर चढ़े हैं। लेट्स सी अभी आगे कैसा होता है, आरवी पार्क पहला एक्सपीरियंस होगा आरवी पार्क में, आरवी लगाने का और वो सारी चीज़ें ताम झाम करना होता है, वो पहली बार करेंगे, देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। यहाँ पे लिखा है विस्लर आरवी पार्क एंड कैंप ग्राउंड्स। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच गए अपने विस्लर आरवी पार्क एंड कैंप ग्राउंड, तो यहाँ पे हमने कैंपिंग के लिए एक साइट रिजर्व करा रखी है, तो यहाँ पे अपना चेक इन वगैरह करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी,
उसके बाद अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो चलते एक बार चेक इन कराते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर PR लेके या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आते हैं और एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद बाहर निकलते हैं, तो रास्ते में अगर हमें किसी को कॉल करना है या फिर किसी भी वजह से इंटरनेट यूज़ करना है तो हमारे पास कोई भी सिम कार्ड नहीं होता। लेकिन आज के टाइम पे आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर 25 GB ऑफ डेटा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग मिलती है। और इसके बारे में मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है कि जब हम कनाडा के अंदर कोई नया नंबर खरीदते हैं, सिम कार्ड खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, $40 या फिर $50। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है और साथ के साथ जो सिम कार्ड है वो इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। और साथ के साथ आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी यार कनाडा आने से पहले ही एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो और टेंशन फ्री हो जाना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी से एक कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो और अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कनाडा आने के बाद। बाकी अब अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब ये तो बंद हो चुका है। द ऑफिस इज नाउ क्लोज। योर रिजर्वेशन फॉर टुडे कैन बी फाउंड ऑन द बोर्ड ऑन द राइट ऑफ द टुडेज रिजर्वेशन। टुडेज रिजर्वेशन तो इन्होंने अलग से एक फोल्डर रखा हुआ है जिसके अंदर जिन लोगों ने आज चेक इन करना था लेकिन अभी तक नहीं किया है तो उनका सारा सामान रखा हुआ है। तो भाई हमारा पेपर मिल गया है जिसके सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है कि हमारी कैंप साइट कौन सी है, यहाँ एंटर करने के लिए क्या कोड है, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशनड है। तो एक बार इसको यूज़ करके अंदर चलते हैं और फिर आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। भाई ये तो दूर बड़ा है, उतरना पड़ेगा। दो मैं कर दूँ। तो भाई इन्होंने पूरा प्रॉपर मैप दिया हुआ है कि भाई कौन सी साइट है आपकी, तो बिल्कुल एंड में दिखा रहा है, हमारी बिल्कुल पहाड़ के एज पे। चलते हैं। हाँ जी सर, फाइनली हम पहुंच गए अपनी कैंप साइट पे और यहाँ पे सारा सेटअप वगैरह करते हैं, बिजली वगैरह कनेक्ट करते हैं और जो फ्रेश वाटर टैंक, ग्रे वाटर टैंक, ब्लैक वाटर टैंक वो सारे खाली करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर टैंक को भर लेते हैं क्योंकि हाथ धोना और नहाने का सिस्टम वो खाली हो गया पानी, और जो ब्लैक वाटर टैंक जो होता है जिसमें सारा सॉलिड वाला सोता होता है वो भर गया हमारा। तो सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये सारा, ये पूरा हरे रंग का जो पोल देख सकते हो आप, इसके ऊपर सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो सब कुछ दिखाते हैं, चलो करते हैं। तो बेसिकली यार ये दो तरीके के इनलेट लगे हुए हैं, एक है वाटर फिल और एक है सिटी फिल। तो अगर मेरे को डायरेक्ट यहाँ से पानी निकाल के उसको यूज़ करना है तो मैं सिटी फिल पे लगाऊंगा, अगर हमें टैंक को भरना है फ्रेश वाटर टैंक जिसे हम हाथ धोते हैं या फिर नहाते वगैरह, तो मेरे को यहाँ वाटर फिल पे लगाऊंगा। तो अगर हम फ्रेश वाटर टैंक भर लेते हैं और देखते हैं सेंसर में दिखाता है या नहीं दिखाता। भाई साहब पानी भर रहा है, इसमें आवाज़ आ रही है, अब थोड़ी देर बाद सेंसर चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में भराया नहीं है। अब बिजली कनेक्ट करते हैं। तो भाई ये अपनी बिजली की तार। तो बेसिकली कैंप साइट्स पे तीन तरीके की पावर आती है, मैंने सुना है 15 एम्पियर, 30 एम्पियर और 50 एम्पियर। आई थिंक ये 30 एम्पियर वाली तार है, मतलब ये 30 एम्पियर पे चलता है। तो इसके अंदर जो भी सारा सोता है, AC हो गया, फ्रिज हो गया, वो सारी चीज़ें बिजली से चल जाएंगी। तो एक बार देखते हैं कैसे तार वगैरह कनेक्ट करते हैं। यार ये तो अलग टाइप का है थोड़ा, आओ इधर है, ये लग जाएगा आई थिंक। चल गया भाई, ऐसी चल गया। भाई साहब बिजली कनेक्ट हो गई है तो हमने ये भी खोल दिया, बाकी आगे के काम करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई जैसे कि आप सामने यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा फ्रेश वाटर टैंक है वो फुल हो गया है, जो हमने अभी पाइप लगाया था, और जो ग्रे वाटर वाला टैंक है वो ऑलमोस्ट लाइक लगा लो 2/3 हो चुका है, तो वो खाली करना है, और जो ब्लैक वाटर टैंक है जिसमें वो सारा माल मसाला होता है जो हम खाने पीने के बाद करते हैं उसको भी खाली करना है। लेकिन ये सब करने के लिए ग्लव्स पहनने पड़ेंगे वरना सारा गंदा गंदा हो जाएगा।
भारी है। तो भाई यहाँ से सारा माल मसाला बाहर आएगा, तो हमने ये पाइप यहाँ लगा दी है, दूसरा एंड हम लगाएंगे यहाँ। Are you sure? तो पहले हमने ब्लैक वाटर टैंक खाली किया है ताकि वो जो सॉलिड वाला सारा सौदा होता है ना वो निकल जाए। उसके बाद ग्रे वाटर टैंक होता है। ग्रे वाटर टैंक बेसिकली होता है अपना जो हम मुंह धोते हैं या फिर नहाते हैं या फिर हाथ वगैरह धोते हैं, तो वो सारा। तो पहले माल मसाला निकला, उसके बाद ग्रे वाटर टैंक निकल गया, तो उसको साफ सूफ करता हुआ सारा डंप हो गया। भाई ग्रे वाटर टैंक तो बहुत ज़्यादा हमारा। तो भी सारा खाली कर दिया, एक बार सेंसर चेक कर लेते हैं, वो दिखा रहे हैं कि भी खाली हो गया है या नहीं हो गया। तो भाई जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, अभी सारा हमने काम किया तो फ्रेश वाटर टैंक फुल हो गया है, ग्रे वाटर टैंक हाथ उठ धोने वाला खाली हो गया है, ब्लैक वाटर टैंक ढंग से खाली नहीं हुआ है, मे भी हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो इसको सुबह खाली कर देंगे, अभी मन नहीं कर रहा, हो गया काम। तो भाई सारा बेसिक काम कर लिया, सारा सेटअप हमने कर दिया, आप थोड़ा खाएंगे पिएंगे, जैस्मिन जी बनाएंगी मैगी और मैं बनाऊंगा चाय और ऑमलेट भी बना लेंगे, डिसाइड करेंगे हम दोनों में से कौन ऑमलेट बनाता है, बाकी रात को तारे तूरे देखेंगे, इंजॉय करेंगे। बहुत ही बढ़िया सिस्टम एकदम सेट हो गया और सुबह यही सारी चीज़ें रिवर्स में करनी होंगी और हम निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो आप अगली वीडियो पे देखोगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे अगर एफर्ट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, और इस तरीके से इंजॉय भी करते रहो लाइफ।